हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं बच्चों का मनपसंद रेसिपी। तो मैंने आज बनाया था स्विस रोल और इसे मैंने डार्क फॉरेस्ट से डेकोरेट किया था। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का एक ट्रे ले लिया है, ये जुगाड़ वाला ट्रे है। अगर आपके पास बड़ा वाला या फिर बॉक्स वाला ट्रे ना हो तो आप इस तरह से ओवन वाले जो बड़े वाले ट्रे आते हैं उससे बना सकते हैं। मैंने साइड में थोड़ा सा बटर पेपर लगाकर एल्युमिनियम फॉइल से इसे कवर कर लिया है जिससे कि बैटर बाहर ना जाए। तो चलिए अपना इसमें ऑयल से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिए बेस बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक बॉयल ले लूँगी। अब ना उसमें हमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अपना कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्लेवरफुल ना हो, जैसे कि सरसों का ऑयल आप यूज़ ना करें। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। आप चाहे तो मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 स्पून लिया है ऑयल का। अब मैंने लिया है कंडेंस मिल्क और ये है, हाँ देखा जाए तो 1 1/4 कप के करीब कंडेंस मिल्क है। 60 ml यहाँ पे कंडेंस मिल्क ले लेंगे और इसे ऑयल के साथ इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। देखेंगे कि ऑयल और कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी चीनी मिठास के लिए। तो मैं यहाँ पे ये जो बड़ा वाला स्पून होता है ना, 1 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसे ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्रीम की भी फिलिंग जाएगी। तो मैं यहाँ पे कम मीठा ही इसे रख रही हूँ और ना चीनी को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो पाउडर वाले चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चीनी को वैसे ही यूज़ कर रही हूँ विदाउट पाउडर के। अब ना इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो मैं यहाँ पे एक छलनी रख दूँगी क्योंकि इसे सभी चीज़ों को हमें छान के लेना है। तो 1/2 कप मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो केक जो भी बेकिंग वाले आइटम्स रहते हैं उसमें अगर मेजरमेंट का ध्यान रखें तो ये अच्छे बनते हैं। अब मैं इसमें ना 1 1/4 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर और उससे भी थोड़ा सा कम मैं ऐड करी बेकिंग सोडा। तो आज हम बना रहे चॉकलेट स्विस रोल, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी कोकोआ पाउडर का, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बच्चों को तो चॉकलेट वैसे ही पसंद होता है। तो यहाँ पे चॉकलेट मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है कोकोआ पाउडर। अब सभी चीज़ों को ना छान लेंगे। छानने से ना ये जो हमारे जो केक का बैटर है ना लम्प फ्री बनेगा। तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से छान लिया है। तो इसे आप मिक्स करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी या फिर दूध डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे पानी का यूज़ करूँगी, अगर आप चाहे तो इसमें दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1/2 कप पानी लूँगी, इसे धीरे धीरे करके ऐड करूँगी। जल्दी मतलब पूरा एक साथ ऐड ना करें जिससे ये ख़राब भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी ऐड करना है और ना इसमें हमें चॉकलेट में यहाँ पे एसेंस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास वनीला हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ना बैटर बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ट्रे को पहले से ग्रीस करके रखा था, इसमें सारे बैटर को हमें डाल देना है। और ना अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो और आप मतलब डायरेक्ट कढ़ाई में इसे बेक करना चाहते हैं, गैस में बेक करना चाहते हैं, तो आप ना थाली का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर छोटे वाले मोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी ये स्विस रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। हमें इसकी जो लेयर है ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, वरना इसमें फोल्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे चारों तरफ से फैला देंगे और अच्छे से टैप करेंगे। तो जब तक ये बेक हो रहा है इसमें हम क्रीम इसकी क्रीम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया 1/2 कप के करीब क्रीम और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स आप अगर आपको चॉकलेट वाला क्रीम पसंद हो तो आप इसमें चॉकलेट को मेल्ट करके ठंडा कर ले और इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आपका चॉकलेट वाला क्रीम बन जाएगा। तो यहाँ पे ना क्रीम बनकर तैयार है। तो चलिए अब ना केक भी हम यहाँ पे बेक हो चुका है और केक को ना हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है वरना ये टूट टूट जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब ये बेक हो चुका है और ना ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा सा गर्म है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इससे कितने अच्छे से ये बेक हुआ है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्विस रोल के लिए इसका जो शीट है तैयार कर लिया है और ये बटर पेपर से भी बहुत इजीली निकल जाता है क्योंकि हमने इसमें अच्छे से ऑयल लैड लगाया था। तो साइड से ना मुझे ये थोड़ा सा इधर से मोटा लग रहा था जिससे कि मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े पार्ट्स निकाल लिए हैं। और यहाँ पे हमने जो शीट को तैयार करके रखा है अब इसमें हमें क्रीम लगाना है।
तो क्रीम को मैंने फ्रीज में रख दिया था ताकि बाहर रहे तो ये मेल्ट हो सकता है, तो मैंने क्रीम को फ्रीज में रख दिया था। तो फ्रेंड्स इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और ना इसकी ज़्यादा मोटी लेयर नहीं रखेंगे वरना ये बाहर भी निकल सकते हैं। अब इसमें मनपसंद इसमें फ्लेवर का टॉपिंग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो चॉकलेट भी दे सकते हैं या फिर चेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब ना इसे हमें फोल्ड करना है, तो मैंने बटर पेपर की हेल्प से इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें बटर पेपर के साथ ही इसमें लगाते हुए फोल्ड करेंगे जिससे कि ये टूटेंगे नहीं। और आप चाहे ना ऊपर से भी एक बटर पेपर लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर क्रीम बाहर निकल रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं, जो एक्स्ट्रा क्रीम वो बाहर निकल जाएगी। तो हमें इसे अच्छे से सेट करेंगे और तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ना मतलब हमने इसे अच्छे से राउंड कर लिया। अब इसे फ्रीज में रख देंगे, मतलब आधे घंटे के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो शीट को मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था फ्रीज में, तो अभी इसे मैं निकाल के चेक कर लेती हूँ कि हमारे स्विस रोल बने हैं कि नहीं। उस देर के लिए इसी तरह से फ्रीज में छोड़ देने के बाद ना मैं इसे अभी निकाल के ले आई हूँ, तो जिससे कि ना ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये अभी खुल नहीं रहा है, अच्छे से सेट हो चुका है। अब ना इसके चारों तरफ मैं क्रीम लगाऊंगी, मेरे पास थोड़ी सी क्रीम बच गई थी तो मैं यहाँ पे साइड में क्रीम इसे कवर कर लूँगी। अब ना हमें चॉकलेट को क्रश कर लेना है, तो आप चाकू या फिर पीलर की हेल्प से इसे क्रश कर लें और ना इसे केक के चारों तरफ हमें इसे लगाना है जिससे कि के जो स्विस रोल है ना बहुत ही अच्छा दिखेगा। आपको जिस तरह से ईजी हो चाकू या फिर इस पीलर से आप इसे लगा सकते हैं। अब तैयार स्विस रोल के चारों तरफ ना मैं इसे चॉकलेट से डेकोरेट करूँगी जिससे कि दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी चॉकलेट खाने में पसंद आता है। तो चारों तरफ घुमाते हुए हमें अच्छे से स्विस रोल को कवर कर लेना है चॉकलेट से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं अभी चारों तरफ इसे अच्छे से लगा लिया है और उस तरह ऊपर से क्रीम से मैं इसे डेकोरेट करूँगी जिससे कि दिखने में अच्छे लगे और ना ऊपर एक एक चेरी से इसे फाइनल टच दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तैयार है हमारा चॉकलेट स्विस रोल। अब मैं इसे कुछ देर रख दूँगी फ्रीज में सेट होने के लिए ताकि चॉकलेट और सभी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे ना मैंने इसे अच्छे से मतलब फ्रीज में कुछ देर के लिए छोड़ दिया था सेट होने के लिए। तो चलिए अब इसकी कटिंग करके भी देख लेते हैं। और फ्रेंड्स ये स्विस रोल ना बहुत ही अच्छा बना था, हमारे घर में सबको बहुत ही पसंद है। इस तरह से छोटी मोटी भूख के लिए आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्विस रोल तो बनकर तैयार है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।